हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचर में। मैं हूँ चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इजी स्टार्टर्स की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और आज के स्टार्टर्स की खास बात ये है कि हम एक ही बेस लेंगे पर इसमें तीन फ्लेवर के वोल्वो बनाएंगे। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम तीन फ्लेवर के वोल्वो बनाने वाले हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो बेस है वो इजीली मार्केट में मिलते हैं और हमारी बेकरी में ये हम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये पफ पेस्ट्री जो डो रहता है इसी में से बनता है। तो बीच में होल रहता है तो इसमें आप काफ़ी सारे फ्लेवर के वोल्वो तैयार कर सकते हैं। आप इसे एज अ स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, इवन आप इसे डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये जो स्टार्टर है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपके पास ये रेडी है तो इसमें से आप बहुत सारी वेराइटी के बना सकते हैं। जब भी हमारा कोई कैटरिंग रहता है तो हम सूप के साथ अक्सर ये सर्व करते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक टॉपिंग तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कप चीज़। तो यहाँ पे मैंने प्रोसेस और मोजरेला चीज़ दोनों लिया हुआ है। आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ से भी बना सकते हैं, नॉर्मल अपना जो चीज़ आता है इसी से भी बना सकते हैं। ये जो मिक्सर है इसमें मैं डाल रही हूँ जस्ट थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग, आधा टीस्पून। इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स ओरिगानो भी ले सकते हैं। हल्का सा नमक, पिंच, ज़्यादा नहीं। और आधा टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन क्रश किया हुआ, एक टीस्पून पार्सले, एक टीस्पून बेल पेपर, यहाँ पे मैं लाल और पीला दोनों यूज़ कर रही हूँ, हरा कैप्सिकम एक टीस्पून, एक टीस्पून प्याज, एक टीस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पूरा भर के चम्मच हरी मिर्ची। इसे भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो टॉपिंग हमारा रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। तो अब हम तीन फ्लेवर के स्टार्टर्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पेस्टो। तो ये जो पेस्टो है हम इसके अंदर डाल देंगे और आधा हम भरेंगे। और YouTube पे मैंने पेस्टो राइस का वीडियो पहले से ही YouTube पे अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पेस्टो राइस में मैंने पेस्टो कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने दे दिया है। तो इसके ऊपर हमने जो टॉपिंग बनाया था वो रख देते हैं। और हल्का सा इसके ऊपर हम पेस्टो रख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पेस्टो फ्लेवर का है। और यहाँ पे मैंने लिया है पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस का वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो वही पिज़्ज़ा सॉस मैंने लिया है, वो भी अंदर रख देते हैं। इसके ऊपर भी हम ये टॉपिंग जो हमने बनाया था वो रख देते हैं। तो ये स्टार्टर के लिए आप पहले से सॉस बना के रख दीजिए और जब गेस्ट आने वाले हो तभी आप इस तरह से असेंबल करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ये बहुत ही सूप के साथ टेम्पटिंग लगता है, आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और इसके ऊपर हल्का सा पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये पिज़्ज़ा फ्लेवर का स्टार्टर्स है। यहाँ पे मैंने लिया है चिली मेयो डिप, इसका वीडियो मैंने पहले से यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये भी फ्लेवर बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। ये चीज़ वाला मिक्सचर हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर भी हम चिली मेयो डिप रख देते हैं जस्ट हल्का सा। तो ये तीनों फ्लेवर के स्टार्टर्स हमारा रेडी है। तो मैंने ओवन को 180 पे पहले से ही 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। और यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, ओवन का जो ऊपर का रोड रहता है वही आपको चालू रखना है, नीचे वाला नहीं रखना है, क्योंकि हमें ऊपर की साइड ही जस्ट हल्का सा हमें चीज़ मेल्ट हो उतना ही गर्म करना है, क्योंकि ये जो बेस है
वो ऑलरेडी क्रिस्पी है तो हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ज़्यादा बेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देती हूँ, जस्ट चीज़ मेल्ट हो उतना ही। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए बेक करेंगे। वोल्वो हमारे बेक होके रेडी हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। ऊपर से मैं हल्का सा पिज़्ज़ा सीजनिंग लगा रही हूँ, इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स लगा रही हूँ, इसके ऊपर भी चिली फ्लेक्स रख देते हैं। हल्का सा पार्सले से भी गार्निश कर रहे हैं। सुपर यम्मी एंड टेस्टी ये स्टार्टर्स की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हमारी और एक चैनल है फूड कुचोर बाय जूनियर शेफ, आप इसे भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।